हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसआई नेट जुलाई 2024 सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। सो ये क्वेश्चन है, ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं, जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं, तो ये इनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये मैं ये मान के चलता हूँ कि ये सारे पार्ट सी के, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि पार्ट बी के भी हो सकते हैं, जिनमें से चारों में से सिर्फ एक ऑप्शन होगा, लेकिन हम इनको सारे ऑप्शन को हम वेरीफाई करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की, इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में लीनियर के कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप थ्योरी के कर सकते हैं, उससे नेक्स्ट वीडियो में रियल एनालिसिस कर सकते हैं, फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स के, तो हम ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। सपोज दैट एफ इज एन एंटायर फंक्शन सच दैट, एफ हमारे पास एक एंटायर फंक्शन है, ठीक है, तो ये हमारे पास एंटायर फंक्शन दिया हुआ है, सच दैट मोड ऑफ एफ ऑफ जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2024, क्योंकि ये 2024 ईयर में आया हुआ है, तो इन्हें जो कॉन्स्टेंट जो लेना होता है वो 2024 ले लिया। फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी ट्रू। अब देखो ये जो ये वर्ड है ये अंडरलाइन कर लिया मैंने, एंटायर फंक्शन है ये अंडरलाइन कर लिया। अब ये जो वर्ड है ये की वर्ड्स हैं, ठीक है, इनसे हमारे पास पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑफकोर्स ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये हमारे पास लिवली थ्योरम, आइडेंटिटी थ्योरम से हो जाएगा कि हमारे पास कोई भी अगर फंक्शन एंटायर है, एंटायर बोलते ही हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास क्या सात फंक्शन होते हैं हमारे पास, जैसे ई रेज टू पावर जेड, कॉन्स्टेंट फंक्शन, साइन जेड, कोस जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, कोस हाइपरबोलिक जेड और पॉलिनोमियल, ये सात फंक्शन माइंड में आते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई फंक्शन एंटायर है और उसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, मतलब जैसे हमारे पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वाई, वेर यू आयोटा वी लिख लो, ठीक है, वेर यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, वी कैन राइट इट इज यू ऑफ एक्स वाई एंड वी ऑफ एक्स वाई, लेकिन इसने पूरे फंक्शन के मोड को क्या कर दिया, बाउंड कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास लिवली थ्योरम यहाँ से अप्लाई हो जाएगी कि लिवली थ्योरम क्या बोलती है, आइडेंटिटी थ्योरम क्या बोलती है, कि कोई फंक्शन एंटायर है, ठीक है, एंटायर है और वो उसका जो मोड है एफ ऑफ जेड का मोड अगर बाउंडेड कर दे हम, लेस देन के कर दे, ठीक है, या फिर ये बोल दे एफ ऑफ जेड है उसका जो मोड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू के है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा और यहाँ पे इसका ये लोअर बाउंड हो जाएगा, लेकिन बाउंडेड है, तो देन दिस इंप्लाइज दैट एफ मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी थ्योरम है, तो यहाँ से ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन बी में क्या बोलता है, एफ ऑफ जेड इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो वो नेसेसरी है कि एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा। अब दूसरे देखते हैं, देखो कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा, देन वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी, ठीक है, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो एफ ऑफ जेड है वो उसका जो मोड है वो 2024 से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ ये इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैं एफ ऑफ जेड को यहाँ पे 2023 ले लूँ, क्योंकि 2023 ले लिया यहाँ पे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कॉन्स्टेंट का फंक्शन ये नहीं कि कोई भी कॉन्स्टेंट फंक्शन हम ले लें, ठीक है। अब यहाँ से ऑप्शन ए में देखो क्या बोल रखा है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2024 फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, लेकिन नेसेसरी बोल रखा है, अगर नेसेसरी नहीं होता तो जो ऑप्शन ए है वो ट्रू हो जाता, लेकिन नेसेसरी बोल रखा है इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर नेसेसरी नहीं पूछा होता तो ए भी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे नेसेसरी है तो यहाँ पे 2024 क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एफ ऑफ जेड है वो यहाँ पे 2025 भी तो हो सकता है, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, 2026 भी हो सकता है, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या बोलता है, ऑप्शन सी में बोलता है कि एफ ऑफ जेड इज एन इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब हमारे पास जो एफ एफ ओ क्या हो जाएगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लो मैंने एफ ऑफ जेड को ये ले लिया, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2024 ले लिया, तो यहाँ से मैं एफ ऑफ वन कैलकुलेट करूँ तो वो भी 2024 आएगा, और एफ ऑफ टू कैलकुलेट करूँ वो भी 2024 आएगा, मतलब एफ इज नॉट ए वन वन फंक्शन, इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ओके। और ऑप्शन डी में क्या बोलता है, एफ ऑफ जेड इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन मतलब वन वन भी हो और इसके साथ वो ऑन टू भी हो, और तुम्हें पता है कि जो वन वन फंक्शन है वो
वन जो हमारे पास जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है एफ ऑफ जेड, वो वन वन होता नहीं है, वन वन नहीं होगा तो फिर बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो हमें ऑन टू चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। वैसे वो ऑन टू भी नहीं होगा, वो ऑल जेड बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब एफ इज नॉट ए बाइजेक्टिव फंक्शन। ऑप्शन डी भी क्या है, इनकरेक्ट आंसर है। जो ऑप्शन इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन होगा बी, एफ मस्ट बी कॉन्स्टेंट फंक्शन। बेसिक सिंपल क्वेश्चन, डिपेंड अपॉन द लिवली थ्योरम एंड आइडेंटिटी थ्योरम, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो जाएगा। ओके, तो पार्ट बी का भी हो सकता है, पार्ट सी का भी हो सकता है, इट्स डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। वो आपको पता होगा किस वे में पूछा गया था, पार्ट बी में पूछा गया था, पार्ट सी में पूछा गया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ये हमारे हमारे पास पास सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन है है कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एनालिसिस का। का। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का अगर कोई क्वेश्चन आया तो एक सिंगुलैरिटी पे तो क्वेश्चन में एग्जाम में पूछता ही पूछता है, आपकी बार भी इसने पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि इफ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z इनटू साइन ऑफ 1/z एंड जी ऑफ जेड इज अनदर फंक्शन सच दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इनटू साइन जेड, देन ऑप्शन ए में बोलता है कि एफ के पास ट्रिमेबल सिंगुलैरिटी हो गई है जेड इज इक्वल टू जीरो पे। ऑप्शन बी में बोलता है कि एफ के पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे। ऑप्शन सी और डी में उसने जी के बारे में सेम चीज पूछी हुई है कि जी के पास ट्रिमेबल होगी, जी के पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी होगी एट जेड इज इक्वल टू जीरो। सिंपल सी सिंगुलैरिटी पूछी हुई है, तो सिंगुलैरिटी तीन टाइप की होती है, पोल, रिमूवेबल और एसेंशियल सिंगुलैरिटी। पोल क्या होते हैं कि अगर हमारे पास रिमूवेबल क्या होते हैं, कोई भी अगर फाइनाइट लिमिट आ जाती है, यानी हमारे पास लिमिट जेड टेंस टू मान लो ए पे या जेड जेड नोड पे हम चेक कर रहे हैं एफ ओ जेड पे, अगर ये लिमिट फाइनाइट आ जाती है, तो हम बोलते हैं कि रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। अगर ये लिमिट इंफिनिटी आ जाती है तो हम बोलते हैं कि पोल है, और ये लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाती है तो हम क्या बोलते हैं, असेंशियल सिंगुलैरिटी है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है। दूसरा मेथड भी है, इसको एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं हम। तो फर्स्ट मेथड, फर्स्टली हम एफ पे चेक करते हैं, यानी लिमिट जेड जीरो पे पूछी हुई है, जेड अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जेड, दिस इंप्लाइज दैट लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो और एफ ऑफ जेड की वैल्यू कितनी है, 1/z इनटू साइन ऑफ 1/z। अब देखो जेड अगर जीरो को अप्रोच करेगा तो जो ये लिमिट है ये फ्लक्चुएट करेगी साइन की वैल्यू, ठीक है, फ्लक्चुएट करेगी मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, और उसके इनटू में क्या है 1/z, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका आंसर क्या आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आता है तो कौन सी सिंगुलरिटी होती है, असेंशियल सिंगुलरिटी। इसका मतलब ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, एफ हैज असेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट जी पे पूछा हो उसने, जी पे क्या है, जी ऑफ जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इंटू साइन ऑफ जेड, यहां से अगर हम एफ ऑफ जेड की वैल्यू रख दें तो ये जाएगा 1/z इंटू साइन ऑफ 1/z इंटू साइन जेड, ठीक है। लिमिट कैलकुलेट करें तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो, जेड अप्रोचेस टू जीरो जी ऑफ जेड, जी ऑफ जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है, साइन जेड अपॉन जेड इंटू साइन ऑफ 1/z, लेकिन अभी भी साइन ऑफ 1/z मल्टीप्लाई में और जेड जीरो को अप्रोच कर रहा है तो साइन 1/z एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये लिमिट क्या आ जाएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनसा इसका आंसर भी डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जी ऑफ जेड पे भी जेड अप्रोचेस टू जीरो कर रही है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब जी के पास भी ये वाला रिजल्ट लग जाएगा, असेंशियल सिंगुलैरिटी होगी एट जेड इज इक्वल टू जीरो पे, एंड दैट्स इंप्लाइज कि ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ऑप्शन डी है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। एक तो मेथड ये था कि आप इसको डायरेक्टली लिमिट के साथ कर सकते हो, दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि आप इस पे एक्सपेंशन भी अप्लाई कर सकते हो, एक्सपेंशन से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। जैसे एफ ऑफ जेड कितना दिया हुआ है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/z इंटू साइन ऑफ 1/z ये दे रखा है, तो आप क्या करो साइन ऑफ 1/z की एक्सपेंशन, साइन 1/z को एक्सपेंड कर दो, यानी 1/z माइनस 1/z³ इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z की पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, अल्टरनेटिव साइन चलते रहेंगे यहाँ पे। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं 1/z की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके अंदर यानी एफ ऑफ जेड की एक्सपेंशन के अंदर कितनी टर्म होंगी जिसके अंदर जेड की नेगेटिव पावर्स हैं, और आप इसकी एक्सपेंशन से साफ साफ देख सकते हो कि इसके अंदर
जेड की पावर माइनस में इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस वन भी बोल सकते हो या जेड की पावर माइनस एन भी बोल सकते हो, इसकी इनफाइनाइटली टर्म होगी। और हमें पता है कि किसी भी फंक्शन की एक्सपेंशन में अगर जेड की पावर में एक नेगेटिव पावर है और उसकी इनफाइनाइटली मैंने टर्म है तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी होती है, कुछ फाइनाइट टर्म है तो उतने ऑर्डर का पोल होता है, और अगर नहीं है तो फिर वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इसकी एक्सपेंशन में इनफाइनाइटली मैनी टर्म्स है विच कंटेन नेगेटिव पावर ऑफ जेड, इट इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ जेड हैज एसेंशियल सिंगुलैरिटी जेड इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली जी ऑफ जेड के पास भी आप देख सकते हो साइन ऑफ जेड अपॉन जेड, ठीक है, इंटू साइन ऑफ वन बाई जेड, वन बाई जेड साइन ऑफ वन बाई जेड को एक्सपेंड करोगे, साइन जेड को एक्सपेंड करोगे जेड माइनस जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल माइनस प्लस जेड की पावर फाइव बाई फाइव फैक्टोरियल एंड अप टू सोन इंटू वन बाई जेड माइनस वन बाई जेड क्यूब थ्री फैक्टोरियल एंड अप टू सोन। तो इसकी एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करोगे तो जेड की पावर नेगेटिव में भी इनफाइनेटली मेनी टर्म होगी। इट इम्प्लाइज दैट जी ऑफ जेड हैज ऑल्सो एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो, विच इज ऑप्शन डी। तो इन दोनों मेथड से आप करोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये पार्ट सी में पूछा हुआ है। ठीक है, तो 4.75 मार्क्स आप इसको इस क्वेश्चन में आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी शायद पार्ट सी का हो सकता है क्वेश्चन, सिंपल पावर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ ऑफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन देन इट्स पावर सीरीज कन्वर्जेस फॉर, ठीक है, देखो एफ ऑफ जेड अगर हमारे पास एंटायर फंक्शन है, तो यहाँ से आप हमारे पास कोई भी आप फंक्शन भी ले सकते हो, जैसे कॉन्स्टेंट फंक्शन ले सकते हो, एक्सपोनेंशियल, पॉलीनोमियल, साइन, कोस, साइन हाइपरबोलिक, कोस हाइपरबोलिक, लेकिन तुम्हें देखो पावर सीरीज है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात आएगी। अगर देखो अगर किसी फंक्शन का रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जीरो है, दिस इंप्लाइज दैट एफ कन्वर्जेस ओनली इट्स सेंटर, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा उस पे कन्वर्ज करेगा। और अगर आर यानी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो क्या है, इन्फिनिटी, इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट एफ कन्वर्जेस, ठीक है, फॉर ऑल जेड बिलोंग टू सी, मतलब सारे की सारी जेड के लिए फंक्शन एफ है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कितनी है, इन्फिनिटी है, ठीक है, मतलब हर एक वैल्यू के लिए वो कन्वर्ज करेगा। देखो इस सिंपल से रिजल्ट से एफ तुम्हें क्या गिवन है, एंटायर गिवन है, उसकी पावर सीरीज गिवन है, इसका मतलब सारे जेड के लिए वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और यहाँ पे फॉर ऑल जेड बिलोंग टू आर, आर इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, और सारे के सारे सी के लिए कर रहे हैं तो आर के लिए भी करेगी, इसका मतलब ऑप्शन बी भी ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या बोलता है, फॉर ऑल जेड बिलोंग टू टू रेस टू पावर एन, एन बिलोंग यानी टू फोर सिक्स, ठीक है, टू की पावर फोर है ना, तो एट सिक्सटीन इनके लिए, जब पूरे पूरे कॉम्प्लेक्स के लिए कर रहा है तो इसके लिए भी करेगा। एंड दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जब सी के लिए कर रहा है तो इसके सबसेट के लिए भी करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ऑप्शन डी, ऑप्शन ई, ऑप्शन एफ, क्योंकि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो इनमें से अगर कोई भी चार ऑप्शन रहेगा तो मेरे ख्याल से ये सारे ही सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल पावर सीरीज का क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड नंबर क्वेश्चन है ये। देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, इफ एफ ऑफ जेड इज एन एंटायर फंक्शन देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ध्यान रखें यहाँ पे, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, फॉल्स पूछा हुआ उसने कि हमारे पास जो इनमें से चार स्टेटमेंट जो दे रखी है, इनमें से फॉल्स गलत कौन सी होगी, तो जो सही होगी इसका मतलब वो आंसर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करके आए हुए हैं। देखो पहला, f इज बाउंडेड देन f इज कॉन्स्टेंट, ये हमने इसी लेक्चर में पहला क्वेश्चन किया था, उसी पे लिवली थ्योरम पे बेस्ड है। लिवली थ्योरम क्या बोलती है कि ए बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कॉन्स्टेंट, ए बाउंडेड एंटायर फंक्शन इज कॉन्स्टेंट, ये है, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कि कोई भी हमारे पास कोई फंक्शन है f इज इक्वल टू यू प्लस आइटा भी, जैसे कि पहले क्वेश्चन में बताया था, अगर एंटायर फंक्शन है then f is constant if हमारे पास जो पहली कंडीशन वो होती है कि either u और v बाउंडेड, अगर इनमें से अगर कोई एक या तो इसका रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट बाउंडेड हो जाए तो भी कॉन्स्टेंट होगा, या ऑप्शन सेकेंड f अगर क्या हो जाए, बाउंडेड हो जाए, ठीक है, और ऑप्शन सी हमारे पास जो हमारे पास मैथमेटिकल रिजल्ट होता है
कि अल्फा यू प्लस बीटा वी, ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ एंड इमेजरी पार्ट ऑफ एच, वो क्या हो जाए, ठीक है, या इसको या तो लेस देन इक्वल टू के हो जाए या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू के हो जाए। तो हमारे पास ये तीनों कंडीशन, तो एफ क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट में चलते हैं, एफ इज बाउंडेड देन एफ इज कॉन्स्टेंट, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि ए पार्ट का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा। लेकिन देखो, फॉल्स पूछा हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अब यही गलती बच्चे करके आए, इसको टिक कर दिया और इसमें एग्जाम में भी टिक कर दिया, नहीं उससे फॉल्स पूछा हुआ है, पहला ऑप्शन तो ठीक है, मतलब स्टेटमेंट सही है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन बी, ई रेस टू पावर रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज बाउंडेड देन एफ इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। ऑफ कोर्स ई रेस टू पावर रियल पार्ट ऑफ एफ क्या है, यू है, यू प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, वी, अगर ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, लेस देन इक्वल टू के या फिर यू प्लस वी ग्रेटर देन इक्वल टू के, एंड तो इससे हमारे पास इससे क्या हो जाएगा, एफ मस्ट बी कॉन्स्टेंट फंक्शन, एफ इज कॉन्स्टेंट। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन फॉल्स पूछा है, तो बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी पे आते हैं, ऑप्शन सी में बोलता है कि रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड इज बाउंडेड एंड रियल पार्ट ऑफ एफ, ये तो सिंपल, इससे फर्स्ट से यानी यू बाउंडेड दे रखा है और वी बाउंडेड दे रखा है, ठीक है, इसका मतलब ये अलग भी हो सकते हैं, इसका मतलब एफ मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, तो सी ऑप्शन फिर से रॉन्ग हो जाए, ठीक है। इसमें तो कोई एक्स्ट्रा भी दे रखी है, इसमें यू प्लस वी वो भी बाउंडेड दे रखा है, ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा अच्छी कंडीशन है, तो दिस इंप्लाइज दैट एफ मस्ट बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन ही होगा जो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कोई भी आप कॉन्स्टेंट फंक्शन ले सकते हो, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू फाइव प्लस टू आइटा ले लिया, ये तीन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्लियर। नाउ कम टू द लास्ट ऑप्शन, क्योंकि एक ऑप्शन तो ठीक होगा, तो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, उसने बोला है कि साइन ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ इज बाउंडेड देन एफ इज ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब देखो, मान के चलो मैंने एंटायर फंक्शन एफ ऑफ जेड को क्या ले लिया, जेड ले लिया, लीनियर फंक्शन ले लिया। अब यहाँ पे इसको इसको एक्सपेंड करेंगे तो एक्स प्लस आयटा वाई, ये हो जाएगा इसका एक्स प्लस आयटा वी कर लीजिए, ठीक है, यू वाई आएगा भाई, तो इसका जो रियल पार्ट है वो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब देखो, उसने डी ऑप्शन में क्या बोला होगा, डी ऑप्शन में बोला होगा उसने साइन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट कितना है इसका, एक्स है, प्लस इमेजिनरी पार्ट कितना है उसका, वाई है, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, और ये जो हमारे पास ये फंक्शन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है, बाउंडेड होता है, रियल में तो नहीं होता लेकिन कॉम्प्लेक्स में जो साइन जेड फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड होता है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट साइन ऑफ रियल पार्ट ऑफ एफ प्लस इमेजिनरी पार्ट इज बाउंडेड, बट क्या फंक्शन एफ ऑफ जेड कॉन्स्टेंट है, नहीं, दिस इज नॉट ए कॉन्स्टेंट फंक्शन, यानी ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी है, ठीक है। और भी कोई आप एग्जाम्पल ले सकते हो, तो फिलहाल मेरे पास यही क्वेश्चन आए थे जो बच्चों ने मुझे मेरे को बताए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में दिक्कत है, तो अभी मैंने मेरे चैनल पे, ठीक है, इसी चैनल पे मैंने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करी है, ठीक है, उसके रोज़ डेली शाम को 6 बजे मैं एक लेक्चर डालता हूँ, तो आप वहाँ से डेली फॉलो करके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स, और आपको चैनल पे जाके दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियो भी, वीडियो लेक्चर भी आपको मिल जाएंगे, इंटीग्रल इक्वेशन के, रियल एनालिसिस के, और एमएससी मैथमेटिक्स के भी, अगर कोई फिलहाल एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा है तो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, तो आप एक बार चैनल पे जाके विजिट ज़रूर कीजिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ।